हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ होली की सबसे खास ठंडाई की रेसिपी, जो कि टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। इसे होली के अलावा गर्मियों में भी बनाकर पिया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले हम ठंडाई पाउडर तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक मिक्सर जार में लेंगे 1/2 कप बादाम, 1/4 कप काजू, 1/2 कप चीनी, 1/4 कप पिस्ता, 3 टीस्पून खसखस, जिसे पोस्तो दाना भी बोलते हैं, 2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा इलायची पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर। अब इसे बारीक पीस लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। तो देखिए, पाउडर बहुत ही अच्छे से पीस चुका है। मैंने इसे 2 बार करके पीसा है। अब हम दूध उबालेंगे। मैंने 1 लीटर दूध को गर्म होने के लिए रखा है। इसमें हम 1 उबाल आने देंगे। अब उबाल आ चुका है, इसके ऊपर से हम मलाई को हटा लेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 बड़ा चम्मच ठंडाई पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 उबाल आने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब देखिए, 1 उबाल आ चुका है। फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। लास्ट में हम केसर के कुछ धागे डालेंगे और इसे वापस मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम फ्रीज में रखेंगे 2 घंटे के लिए, फिर हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं केसर का कलर बहुत ही अच्छे से आया है। अब हम ग्लास में सर्व करेंगे। ग्लास में हम सबसे पहले आइस क्यूब डालेंगे, आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब ठंडाई डालेंगे। अब हम ठंडाई को कटे हुए पिस्ता, बादाम और रोज पेटल्स से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, हमारी ठंडी ठंडी होली स्पेशल ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। इस ठंडाई के पाउडर को आप 1 महीने 2 महीने के लिए भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। आप भी इसे अपने घर पे एक बार जरूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये थी मेरी आज की होली स्पेशल ठंडाई की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ।